गाइस दिवाली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस दिन खूब पटाखे जलाए जाते हैं। हम लोग भी पटाखे जलाते हैं, पर गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि पटाखों में से आवाज़ या फिर रोशनी क्यों निकलती है? तो आइए आज हम इस वीडियो में यही जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं लवली वर्ल्ड। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें ऐसे ही शानदार फैक्ट्स को देखने के लिए। गाइस दरअसल पटाखे बनाने के लिए कई प्रकार के रसायन यानी केमिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे पटाखों के आवाज़ के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम पाउडर और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पटाखे में लाल रंग की रोशनी के लिए सीजियम नाइट्रेट, पीले रंग की रोशनी के लिए सोडियम नाइट्रेट और हरे रंग की रोशनी के लिए बेरियम नाइट्रेट बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाने पर मिश्रण का रंग गाढ़ा पीला हो जाता है, इसी वजह से जलाने पर इसमें से पीले रंग का लाइट निकलता है। इसका इस्तेमाल अधिकांश पटाखों में किया जाता है और जब ये रसायन आग के संपर्क में आते हैं यानी कि जब हम आग जलाते हैं तो तेज आवाज़ के साथ इसमें डाले गए रसायन आपस में घिसते हैं और वही पटाखे की आवाज़ का कारण बन जाते हैं और उसमें से रोशनी निकलने लगती है। पटाखों के धुएं में करीबन 75% पोटेशियम नाइट्रेट और 10% सल्फर और 15% कार्बन की मात्रा होती है, यानी कि ये हमारे शरीर के फिर हमारे सांस के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। गाइस हमारे कान के लिए 60 डेसिबल तक की आवाज़ काफ़ी सामान्य होती है, इससे अधिक आवाज़ होने पर कान के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। दिवाली पर जलने वाले पटाखे 110 डेसिबल तक की आवाज़ की होती है। डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि कान हमारी काफ़ी संवेदनशील होती है और बहुत नाजुक होती है, जिसकी परत ज़्यादा डेसिबल के कारण हानिकारक हो सकता है। गाइज आपको ये फैक्ट कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो से लगा तो लाइक करें, बेकार लगा डिसलाइक करें। कुछ कहना चाहते हैं पूछे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। ऐसे ही शानदार फैक्ट को देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।